स्पेशल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया शकरकंद के चाट की रेसिपी। वैसे तो आप इसे कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत या उपवास में इसको लेने से आपको पूरा दिन ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी। फिर चलिए इस हेल्दी चाट की रेसिपी देख लेते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टीमर में मैंने पानी गर्म करने रखा था। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के शकरकंद लिए हैं। इसको पहले मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसको हम 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करने के लिए रखेंगे। 3 से 4 विसल में प्रेशर कुकर में भी आप शकरकंद को स्टीम कर सकते हैं। शकरकंद स्टीम होके रेडी है। अभी हम इसको 5 मिनट ठंडा होने देंगे। अभी हम इसका छिलका निकाल देंगे। कुछ लोग इसको सिर्फ उबला हुआ खाना पसंद करते हैं, पर आप इस तरह से चाट की तरह बना के लेंगे तो आपको और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। छिलका निकालने के बाद अब हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट देंगे। शकरकंद को पानी में डाल के स्टीम नहीं करना है, वरना काटते समय ये स्मैश हो जाएंगे। अभी एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। उपवास के लिए आप जो भी तेल यूज कर रहे हो उसका ही यूज करें। उसमें सारे कटे हुए शकरकंद डाल देंगे। इसको ज्यादा मिक्स नहीं करना है, वरना ये टूटने लगेंगे। इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। थोड़ी देर के बाद नीचे की साइड ब्राउन हो जाने के बाद उसको मिक्स करेंगे। अभी हमारे सारे शकरकंद फ्राई होके रेडी है। अब हम उसमें 1 चम्मच अनारदाने का पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, अनार के दाने, रोस्टेड मूंगफली, कटा धनिया और 1/2 नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। तो अभी हमारा टेस्टी चाट बनके रेडी है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो आप भी ये हेल्दी चाट की रेसिपी उपवास में जरूर से ट्राई करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।